प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है आलसी कौआ। गांव के नज़दीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम तारजी था। वह तारजी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। हर वक्त मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अब उसी चिड़िया के पास वाला पेड़ ही एक पीपल का पेड़ था, जिस पर एक कौआ रहता था। बेचारा कौआ एक नंबर का आलसी कौआ था। हर वक्त अपने पेड़ पर सोया रहता, और जब उसे तारजी चिड़िया कुछ कहने जाती तो बोलता, चिड़िया रानी अपने पेड़ पर जाओ, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, थोड़ा सुस्ता रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। चिड़िया ने कई बार उस आलसी कौए को चेताने की कोशिश की, देखो उठ जाओ और कुछ काम कर लो, आगे बरसात का मौसम जब आएगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें कैसे भोजन इकट्ठा किया जाता है, कुछ कर लो आलसी कौए, कुछ कर लो। लेकिन ये एक नंबर का आलसी कहाँ हिलने वाला था। चिड़िया की तो बात उसके जरा से भी दिमाग में नहीं घुसती थी। चिड़िया हर वक्त उसको समझाने का काम करती, लेकिन यह कौआ तो बिल्कुल भी नहीं समझता था। अब जैसे जैसे बरसात का मौसम करीब आया, तो फिर चिड़िया उसके पास आई और बोली, कौवे महाराज उठ जाओ, अपनी निद्रा खोलो, देखो बरसात का मौसम जल्द ही नज़दीक आ रहा है, अपना भोजन इकट्ठा कर लो, वरना अगर लगातार बरसात हुई तो फिर तुम क्या खाओगे, तुम्हें कई कई दिन तक भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कौआ उसे गीत गाकर बड़े प्यार से समझाने लगा, चिड़िया रानी मैं तो मीठी रोटी खाता हूँ और मजे से पानी पीता हूँ और फिर से सो जाता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं है, तुम अपने पेड़ पर सिर्फ मेहनत करो, यहाँ तो मैं आराम फरमाऊंगा। अब चिड़िया फिर से अपने पेड़ पर वापस आ जाती, लेकिन चिड़िया उसे समझाए बिना नहीं रहती थी। उसे अक्सर समझाया बुझाया करती थी, लेकिन यहाँ तो कौआ कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। अब एक दिन ऐसा ही हुआ, बरसात बहुत जोरों से होने लगी। चिड़िया ने तो अपने घोंसले में काफी सारा भोजन एकत्रित कर लिया था, उसे तो कोई चिंता थी ही नहीं। लेकिन यहाँ तो वह आलसी कौआ, बरसात का एक दिन हुआ, फिर बरसात लगातार दो दिन होने लगी, वह कौआ तो भूख से बिलखने लगा और इधर उधर देखने लगा, अरे मैं क्या खाऊं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, अब यह तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उड़ता फिरता इधर उधर भटक रहा था, लेकिन बरसात इतने जोरों से थी कि वह उड़ भी नहीं पा रहा था। अब बेचारा करता भी क्या, हार कर उसी चिड़िया के पास आया और बोला, चिड़िया रानी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम ही कुछ करो ना। तो चिड़िया ने कहा, अब मैं क्या करूं, जब मैंने तुम्हें समझाया था तब तो तुम बड़ी मस्ती में सो रहे थे, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम चले जाओ अपने पेड़ पर। अब जब वह कौआ चिड़िया के आगे बिलखलाने लगा, उस चिड़िया को उस पर तरस आ गया, उसे दया आई, यह कौआ बहुत जोरों से भूखा है। चिड़िया ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर समझाया, देखा मैं तुम्हें समझाती थी ना कि समय आने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए समय रहते हुए सब कुछ काम निपटा लो। अब कौए ने चिड़िया से माफ़ी मांगी और कहा, भविष्य में आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस इस बार मेरी मदद कर दो चिड़िया रानी, आइंदा तुम्हें यह बोलने का भी मौका नहीं दूंगा, मैं खुद से सारा काम करूँगा,
और यह आलस त्याग दूंगा। देखा बच्चों, वह कौवा एक नंबर का आलसी था और चिड़िया बहुत ही फुर्तीली थी। चिड़िया ने उसे समझाया भी, लेकिन वह कौवा नहीं माना। लेकिन समय सबको सब कुछ सिखा देता है। जिस प्रकार आज उस कौवे ने चिड़िया से माफी मांगी और कहा, भविष्य में कभी भी यह आलस नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी तरह ही फुर्तीला बनकर दिखाऊंगा।